हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन एकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है रोल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो आज हम रिलीजन के बारे में, कल्चर के बारे में और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में लेक्चर को कवर करेंगे। तो क्या मैं ऑडिएबल हूँ? एक बार आप लोग वॉइस मुझे चेक करवा दीजिए मेरी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? गैस, क्या मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सभी लोग? चले गाइस, हम शुरुआत करते हैं अपने आज की टॉपिक की। और एक बार फिर से मैं सबका स्वागत करता हूं अन एकेडमी के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम गाइस अपने टॉपिक को देखने वाले हैं रोल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में। तो चले हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक है। और उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने एन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो स्टूडेंट्स फौरन आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और एन अकेडमी का वहां से लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो जैसे ही आप एन अकेडमी का वहां से लर्निंग ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आप वहां पे देखेंगे कि एन अकेडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो मैं हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा कि आप मिनिमम 12th मंथ या 24 मंथ तक का प्लान लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो और इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको वहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा। आप पेपर 1 की प्रिपरेशन हो, पेपर 2 की प्रिपरेशन हो, स्टूडेंट्स आप आसानी के साथ वहां पे कर सकते हैं। एंड यूज माय रेफरल कोड SAF10, गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। और जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SAF10, तो आपको वहां पे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइस, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बतानी है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो आइए आज हम समझते हैं कि प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में क्या डिफरेंस है और आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, ये हम पहले जान लेते हैं और फिर अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप 1 मंथ 3 मंथ और 6 मंथ का प्लान लेते हैं प्लस पे और 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लेते हैं आइकॉनिक पे, तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है ये आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पर और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे एडमिशंस लेंगे तो कुछ चीजें कॉमन होंगी। जैसे इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपको यहाँ पे प्लस हो या आइकॉनिक का प्लेटफॉर्म हो, दोनों जगह आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस दोनों जगह दी जाएंगी, चाहे वो प्लस हो या आइकॉनिक हो। आपको बच्चों स्ट्रक्चर कोर्सेज और PDF दोनों जगह पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव टेस्ट एंड क्यूजेस आपको दोनों जगह पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या डिफरेंस है आइकॉनिक के लिए, स्पेशल में क्या है भाई आइकॉनिक? जी हाँ, तो आइए आइकॉनिक में देखते हैं कि क्या बेनिफिट होने वाला है। आइकॉनिक का बेनिफिट यह है कि स्टूडेंट्स आपको एक पर्सनल कोच मिल जाएगा। तो आपको वहां पे पर्सनल कोच दे दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप जब भी आपको कोई डाउट होगा, एक पर्सनल मेंटोर आपके पास होगा, आप एनी टाइम क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम वहां सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको अपना कोच से कुछ बैरियर्स आ रहे हैं, लैंग्वेज बैरियर्स आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने कोच को चेंज भी कर सकते हैं। तो सोचिए, ये सारी फैसिलिटीज आपको आइकॉनिक के जरिए मिल रही है। और आइकॉनिक अभी तक UPSC और नीट और JEE के स्टूडेंट्स के लिए था स्टूडेंट्स, लेकिन एन अकेडमी ने नए साल में आपके लिए, यानी कि NTA UGC नेट के स्टूडेंट्स के लिए भी ये प्लान लेकर के आई है एन अकेडमी आप सबके लिए। तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको बच्चों, साथ ही साथ स्टडी प्लानर भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक स्टडी प्लानर होगा, दूसरी तरीके से स्टडी बूस्टर सेशन भी आप लोगों को मिलेगा और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जब आप एन अकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। स्टूडेंट्स एक चीज और जान लीजिएगा, साथ ही साथ बच्चों आपको स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सोचिए, बहुत ही बेहतरीन चीज एन अकेडमी आपके लिए लेकर के आई है। आप सबको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे,
आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस भी मिलेंगी, आपको स्ट्रक्चर कोर्सेज भी मिलेंगे और आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो इतना सब कुछ सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पे है। आप यहाँ पे आइकॉनिक की फीस भी देख सकते हो कि आइकॉनिक की फीस जो है आपका 12th मंथ का है वो 16,875 है, और इस पे डिस्काउंट भी जब आप लगा लोगे आइकॉनिक पे तो 10% आपको वहां पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। और 24 मंथ का प्लान भी है, तो अगर आप मंथली बेसिस पे करना चाहते हैं तो बहुत आराम से आप मंथली भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस की फीस भी आप देख सकते हैं, प्लस की फीस यहाँ पे 10,000 रुपीज है और आइकॉनिक की फीस यहाँ पे 16,000 रुपीज है। तो बच्चों, और उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे आप मेरे रेफरल कोड SAP10 को यूज करते हो। अपकमिंग बैचेस के बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि अपकमिंग बैचेस की भी शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है, ठीक है। लगातार बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि अश्वनी सर और अश्विमा नेगी मैम आपके लिए कंप्लीट कोर्सेस पेपर 1 और इलेक्ट्रॉनिक साइंस के लिए लेकर के आ रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्लीट कोर्सेस कॉमर्स और पेपर 1 के बुशरा साजली मैम, आशिमा नेगी मैम और अदिति विनोद आर्या मैम आपके लिए लेकर के आ रही है। तो गाइस हरी अप, जल्दी करिए बिल्कुल। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ देना था अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। जैसे अभी 17th of January को हुआ था, तो आज एक मौका आपको और दिया जा रहा है, 31st of January 11 AM पे आपके अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। ऑल इंडिया आपका एक टेस्ट होगा 60 मिनट का पेपर 1 का, तो आप वहां पे टेस्ट दे करके अपना एनालिसिस कर सकते हो। और आपको ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड पे आपकी रैंकिंग शो की जाएगी, आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और हाँ, इसके लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ओके गाइस। और रेफरल कोड भी मेरा यूज कर सकते हैं। और इसमें आपको देखिएगा कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस भी है रैंक 1 और रैंक 2 के लिए। जैसे आप देख सकते हैं 10,000 रुपीज का गिफ्ट कार्ड मिलेगा रैंक 1 स्टूडेंट्स को, 5,000, फिर 2,000 और 4 से 50 रैंक वाले स्टूडेंट्स को 1,000 रुपए का अनअकैडमी की तरफ से अमेजोन गिफ्ट कार्ड मिलेगा। तो जी, याद रखिएगा ये सारी चीजें। जल्द से जल्द मैं कहता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए 31st से पहले पहले, और आप भी शुरुआत करिए। चले अब हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम शानदार तरीके से अपने आप टॉपिक को यहाँ पे देखते हैं। और उससे पहले एक बार मैं सबका फिर से स्वागत करता हूँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं स्टूडेंट? चले अब मैं सबका जवाब दे देता हूँ। गुड मॉर्निंग सुषमा जी, अर्शिया जी गुड मॉर्निंग, रविता जी, विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग, निशा पांडे जी गुड मॉर्निंग, प्रतीक्षा प्रदर्शनी जी गुड मॉर्निंग, आशुतोष रंजन जी गुड मॉर्निंग, छवि जी सर कौन सी यूनिट करा रहे हो? छवि जी मैं यूनिट 5 और यूनिट 6 लेकर के चल रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन और इंडियन फॉरेन पॉलिसी चल रही है आप लोगों की। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई सुषमा जी। साउंड क्वालिटी पुअर है तो एक सेकेंड, आप लोगों को साउंड क्वालिटी पुअर लग रही है? आप लोग एक बार मुझे ऑडियो चेक करवा दीजिए, प्रतीक्षा जी और बाकी स्टूडेंट मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, तो फिर मैं अपना ऑडियो यहां से सेट कर लूं। बाकी स्टूडेंट जल्द से जल्द एक बार मुझे ये बता दें कि क्या मैं ऑडिबल हूं और वॉइस क्लियर है। जल्द से जल्द आप लोग बता दीजिए तो मैं अपनी यूनिट शुरू कर सकूं। अच्छा, अर्शिया जी क्लियर है, आशुतोष जी क्लियर है, गुड वेरी गुड। और भी बाकी और भी स्टूडेंट्स मुझे बता दें तो मैक्सिमम लोगों की बात मैं मान लूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा मेजोरिटी होनी चाहिए ना कि वॉइस मेरी क्लियर है। तो ओके, थैंक यू, वॉइस क्लियर है भाई। प्रतीक्षा जी एक बार आप चेक कर लीजिए, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे अच्छे से चेक कर रखा है और अगर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि वॉइस आप लोगों को बहुत अच्छी से क्लियर आ रही होगी। छवि जी यहाँ पे कौन सी यूनिट? यहाँ पे मैं आप लोगों का इंटरनेशनल रिलेशन करा रहा हूँ, ठीक है, यूनिट नंबर 5 चल रही है आपकी। चलें गाइस हम शुरुआत करते हैं, आज हम देखते हैं अपने टॉपिक को, रोल ऑफ रिलीजन कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। तो गाइस क्या होता है, एंड होगा ये एंड, ठीक है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स समझते हैं, रिलीजन को आज हम समझेंगे और कल्चर के बारे में समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने यहाँ के रोल ऑफ रिलीजन से, धर्म क्या होता है। तो देखिए बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका धर्म के बारे में, आप सब लोग सुनते होंगे, जानते होंगे, लेकिन आज हम थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के रेफरेंस में इसको जानेंगे और रोल ऑफ रिलीजन क्या है हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में उसको यहाँ पे हम जानने की कोशिश करते हैं।
तो सबसे पहले देखेंगे, नॉर्मली रिलीजन इज बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली तौर पे हम कहते हैं कि धर्म क्या है, लोगों का विश्वास है किसी ग्रुप का या पर्टिकुलरली इंडिविजुअल पर्सन का विश्वास होता है, तो धर्म ये है। नॉर्मली आमतौर पे हम बोलचाल की भाषा में एक विश्वास बोलते हैं, और धर्म का मतलब धारण करना भी होता है किसी चीज को, ठीक है। चले तो फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली रिलीजन इज बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। और धर्म क्या होता है, रिलीजन, यहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे अलग अलग तरीके से प्रेयर होती है, पूजा पाठ होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे धर्म में भी डिफरेंसेस है। और साथ ही साथ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, अब धर्म का अगर हम यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे जानना जरूरी होगा। और उससे पहले प्रतीक्षा जी, आप मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए क्या अब मेरी आपको वॉइस क्लियर आ रही है, क्योंकि बाकी स्टूडेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि सर आपकी वॉइस क्लियर है, सभी लोग कह रहे हैं लगातार क्लियर है क्लियर है। तो प्रतीक्षा एक बार आप बोल दीजिए कि आपको क्लियर है सारी चीजें। चलिए गाइस हम शुरुआत करते हैं आगे। रिलीजन डिफरेंसेस हमने बताया है, एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स के बारे में हम यहां पे देखेंगे कि धर्म का एक्सप्रेशन, मतलब पॉलिटिक्स का धर्म में क्या एक्सप्रेशन किया जा रहा है, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू प्रतीक्षा, वेरी गुड। तो यहाँ पे गांधी के व्यू को हम यहाँ पे जानने चाहेंगे, गांधी जी के व्यू क्या थे धर्म को लेकर के। एक्चुअली आज का हम व्यू देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम में हमारे धर्म को लेकर के क्या व्यू है, और जिस व्यू की, जिस धर्म की गांधी जी ने बात की थी उसके बारे में भी देखेंगे, कुछ कम्युनल एंगल भी देखेंगे, सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, और आपको एकदम फैक्ट रिलीजन के बारे में यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बच्चों, गांधी जी का मानना है कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि आप राजनीति को धर्म से कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं, धर्म और राजनीति एक साथ होनी चाहिए। अब सुनिए, अगर आज के प्रेजेंट टाइम की कंडीशन देखेंगे, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की कंडीशन देखेंगे, तो यहाँ पे वो धर्म का गलत यूज कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, वो लोगों को डिवाइड करने के लिए, कम्युनल राइट्स के लिए भड़काने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जिस रिलीजन और जिस पॉलिटिक्स की बात गांधी जी ने की थी वो एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, वैल्यूज के बारे में बात किया था। गांधी जी का मानना था कि धर्म क्या है। देखिए अगर अब मैं नॉर्मली धर्म की सिर्फ बात करूं तो आप सबको मालूम होगा धर्म हमें क्या सिखाता है, धर्म हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाता है, और हमें बहुत आगे बढ़ने की, हमें मोटिवेट, धर्म हमको मोटिवेट भी करता है अपने, मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, आप पढ़ाई कर रहे हो, कभी आप देखिए असफल भी होते हो, आपके सक्सेस आपको नहीं मिलती है, लेकिन आपको अपने धर्म पे, गॉड पे, खुदा पे विश्वास होता है आपको ना, यही तो है, फिर आपको थोड़ा सा पेशेंस आ जाता है कि नहीं यार होगा, धीरे धीरे होगा। तो ये देखिए एक मोरलिटी आपके अंदर से, समझ रहा है, इथिकल वैल्यूज आपके निकल रहे हैं। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो, किसी गरीब को देख रहे हो या किसी को परेशान हाल में देख रहे हो, तो आप उसकी मदद के लिए दौड़ोगे, आपके अंदर से बोले, तो ये एक्चुअली रिलीजन का ये मतलब है कि इंसानियत, भाईचारा, एक दूसरे की हेल्प, एक भूखों को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, एक्चुअली धर्म है, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला था कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति पॉलिटिक्स को साथ साथ करेगा, यानी कि धार्मिक व्यक्ति के नहीं, मतलब यानी धर्म का पॉलिटिक्स में अगर मिश्रण कर दिया जाएगा, तो जब हमारे राजनेता लोग राजनीति करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी होगी, एक मदद की भाव होगा, वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहेंगे, ना कि दंगे भड़काने वाली बात नहीं करेंगे। तो गांधी जी का जो व्यू था, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, वो एथिकल वैल्यूज थे उनके, वो मॉरल नैतिकता के विचार पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात करते थे कि धर्म और राजनीति साथ साथ चलनी चाहिए। अगर कोई अच्छा राजनेता है, उस धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान है, तो वो अगर उसके अंदर अपने धर्म के प्रति क्या होगा, तो फिर अगर उसने सही से धर्म को समझा है तो फिर क्या होगा, वो लोगों की मदद करेगा, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। क्योंकि भाई आप लोग मुझे बताओ, धर्म क्या सिखाता है, धर्म क्या इनइक्वालिटी पे बेस्ड है कि इक्वालिटी पे बेस्ड है? कोई भी धर्म हो, यहाँ पे इक्वालिटी सिखाती है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन तो गांधी जी का ये कहने का मतलब था, इस वजह से बहुत अच्छे पॉइंट में गांधी जी ने यहाँ पे धर्म को समझाने की बात की है, धर्म और राजनीति का। लेकिन आज हमारे यहाँ देखो, प्रेजेंट टाइम की कंडीशंस क्या है,
आज हमारे यहाँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, अभी देखिएगा मैं जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मेरी आज की टॉपिक है, तो इसी वजह से आज मैं आपको यहाँ पे ओपनली यहाँ पे आज बात करूंगा कि देखो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम है प्रेजेंट टाइम का, वो क्या करते हैं, वो धर्म का मिसयूज करते हैं। धर्म के नाम पे एक दूसरे को यहाँ पे वो अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं। एक्चुअली धर्म हमें ये नहीं शिक्षा देता, हिंसा करना धर्म नहीं सिखाता है। वो धर्म ही नहीं है जो हिंसा करना सिखाए। वो मुझे मेरी नजर में वो धार्मिक व्यक्ति हो ही नहीं सकता है जो गलत काम करता हो, क्योंकि जब भी आप गलत काम करने जाते हो, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हो, कहीं ना कहीं आपको धर्म का अपना जानते हो आप, ठीक है, आपको भगवान का, खुदा का, जो भी गॉड का, जो भी डर होगा आपको, आप गलत काम करने से रुक जाएंगे, झूठ बोलने से रुक जाएंगे। तो ये धर्म है एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। धर्म के नाम पे दंगे, धर्म के नाम पे वोट बैंक पॉलिटिक्स, धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाना, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स, जो अंग्रेजों ने काम किया था कि लोगों को लड़ा के लंबे समय तक रूल करेंगे। और आज मुझे अफसोस के साथ ये बात बोलना पड़ रहा है, आज हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम इस तरीके से हो गया है कि वो धर्म का पॉलिटिक्स में इस तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली धर्म कभी भी आपको इनक्वालिटी नहीं सिखाता, धर्म आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं सिखाता, धर्म आपको कभी भी वायलेंस नहीं सिखाता। ये बात धर्म है, ठीक है। धर्म अंतरात्मा की चीज है, वॉइस ऑफ कंसाइंस है। अगर आप कहीं जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म के आप मानने वाले हो, ठीक है, अगर आपने अपने धर्म को सही से समझा है, इंसानियत ह्यूमैनिटी आपके अंदर है, क्योंकि रिलीजन ह्यूमैनिटी सिखाती है आपको, तो यकीन मान लीजिएगा आप बहुत अच्छे से खुद की भी मदद करेंगे, सोसाइटी की भी मदद करेंगे, लोगों की भी मदद करेंगे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे। मेरी नजर में धर्म की डेफिनेशन सी होगी, ठीक है, ओके। तो चले, कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कब होगा टेस्ट। तमन्ना पारिक जी, टेस्ट तो मैंने बता दिया, 31st ऑफ जैन को टेस्ट होगा 11 बजे से। उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो प्लीज एन अकेडमी की वेबसाइट पे जाइए और वहां पे सारी चीजें देख लीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है तमन्ना जी, प्लीज, ओके। चलें, इक्वलिटी नो डिस्क्रिमिनेशन स्पेशली धर्म शुड बी बेस्ड ऑन द मोरलिटी। बिल्कुल सही कह रही है प्रतीक्षा जी, बिल्कुल धर्म बिल्कुल बेस्ड है मोरलिटी पे, ह्यूमैनिटी पे। अरे भाई, किसी की मदद करना ही तो धर्म है, ओके। चले, आप क्या पढ़ाते हो, आपका नाम क्या है? अरे भाई, नाम तो मैं शुरू में ही बता देता हूँ। फिलहाल तो अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और पेपर वन के इन्वायरमेंट्स और कई सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ तमन्ना जी, और मेरा नाम मोहम्मद सैफ अहमद है, ठीक है। हालांकि आप शायद नए स्टूडेंट हो, कोई बात नहीं, चले हम अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों के सारे यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो गांधी जी का जो व्यूज था वो ये व्यूज था ना कि एक डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स करना है, कम्युनल राइट्स वाली पॉलिटिक्स करना है, कि सांप्रदायिक दंगे भड़का दिया जाए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को लड़वा दिया जाए, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाए। तो ये चीजें नहीं है। जो जिस धर्म का पॉलिटिक्स में रोल होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूज होने चाहिए उसके। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मुझे आप सब लोग कमेंट करके बता दो, क्या आपको रिलीजन के बारे में, उसका रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स समझ में आया टॉपिक, कि क्या है टॉपिक, जल्दी से आप सब लोग मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता दो। और आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है बेटा, शुक्रिया आप सभी का, वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू तमन्ना जी, ओके। चलो, तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक्षा जी, आशुतोष, रंजन जी, और भी बच्चे अगर कमेंट करके बता देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। तो अब मुझे एहसास हो जाएगा कि वाकई आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर एक भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं इसे फिर से रिविजन कराऊंगा। थैंक यू अर्शिया जी, गुड, वेरी गुड आप सभी का। चले गाइस, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें देखी हैं कि धर्म क्या हो रहा है, धर्म का क्या यूज होना चाहिए, गांधी जी के व्यूज क्या हैं प्रेजेंट टाइम की, लेकिन कंडीशंस क्या हो गई है। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम इतना गंदा बना रखा है लोगों ने कि धर्म के नाम पे, ठीक है, तो बिल्कुल ये चीजें लड़वाने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में इसको और डीपली यहाँ पे समझेंगे। चले, तो धर्म का अर्थ है, बेसिक तौर पे अभी मैंने धर्म के बारे में बताया है, नॉर्मली रिलीजन इज अ बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ अ पीपल। तो धर्म के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात किसी चीज का धारण किया जाए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि धर्म व्यक्तियों को अच्छाई के मार्ग पर ले जाता है। सीधी सी बात है भाई, धर्म क्या है, धारण करना होता है, और धर्म व्यक्ति को हमेशा अच्छाई के मार्ग पर ले जाना चाहता है कि आपको एक राइट पाथ पे हमेशा ले जाएगा, कभी भी आपको गलत नहीं करने देगा। एक्चुअली धर्म ये है, आप देखिए, धर्म हमेशा
कोई देखिए आपका जो धर्म मैटर है ना वो आपका इंटरनली मैटर है, यानी कि आप कभी ध्यान से बैठिएगा और अपने अंतरात्मा से बात करने की कोशिश करिएगा। ये धर्म है कि जो आपके अंदर से एक आवाज आती हो कि आपको ये काम अच्छा है ये काम बुरा है, ये चीजें आपको धर्म सिखाती है। ठीक है, और मेरा मानना है कि भाई धर्म तो टोटली बेस्ड होता है ह्यूमैनिटी पे, ठीक है, और इक्वालिटी पे बेस्ड होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, तो ये रियल में धर्म है। किसी व्यक्ति को अगर हम किसी रोते हुए चेहरे के पे मुस्कान ला सकें तो मेरी नजर में धर्म ये है। धार्मिक व्यक्ति वो होगा जो किसी की परेशानियों को दूर कर दे, जो किसी किसी की भी जो भी उसके प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे, मेरी नजर में वो व्यक्ति एक्चुअली में धार्मिक व्यक्ति होगा। ठीक है, ना कि किसी की परेशानियों को बढ़ा देना, आपस में नफरत फैला देना, लोगों को लड़वा देना, एक्चुअली ये धर्म की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है और ना कभी हो सकती है। तो फिलहाल तो हम इन सारी चीजों को यहां देख रहे हैं। चलें तो फिलहाल आगे हम देख के चलते हैं कल्चर के बारे में, इसकी संस्कृति क्या होती है। देखो तो धर्म के बारे में बेसिक चीजें हमने देख लिया है, ऐसा माना जाता है कि धर्म व्यक्ति को अच्छाई के मार्ग पर ले जाता है, तो धर्म ये होता है। चलो बच्चों अब हम यहाँ पे देखते हैं संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में समझते हैं। देखिए आप यहाँ पे हम कल्चर को समझेंगे, बहुत जरूरी है संस्कृति को जानना भी, जब धर्म की बात हो रही है वहां पे संस्कृति को जानना भी जरूरी होगा। तो आइए हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं संस्कृति को क्या होता है। ठीक है, देखो कल्चर क्या होता है, द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का जो तरीका है। ठीक है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसी हमारी अपनी आसपास का एनवायरमेंट है, तो द वे ऑफ लाइफ क्या है, ये कल्चर है। अगर यहीं पे आपने एक वर्ड सुना होगा सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कहाँ है, याद होगा आप सभी को सिविलाइजेशन के बारे में। ठीक है, यानी कि सभ्यता, तो सभ्यता को भी यहाँ पे हम साथ ही साथ देख लें। अगर अक्सर ये वर्ड सुनते रहे होंगे ना रिलीजन एंड सॉरी कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में, तो जब जीवन जीने का तरीका क्या है बच्चों, ये कल्चर है, ये संस्कृति है। लेकिन यही जब जीवन जीने का तरीका द वे ऑफ एडवांस लाइफ, ठीक है, जीवन जीने का उन्नत तरीका सभ्यता है। जब हम एक एडवांस वे में जीने लगे, एक एडवांस वे ऑफ लाइफ हमारी हो जाए, तो ये सभ्यता हो गई। लेकिन मेरा टॉपिक आपको सभ्यता पढ़ाना यहाँ नहीं है, तो फिर से हम अपनी संस्कृति पर लौटते हैं और यहाँ पे जीवन जीने का तरीका को हम क्या बोलते हैं, कल्चर बोलते हैं। आइए अब हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आज पढ़ रहे हैं ना। देखिए हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताता तो कल्चर को थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन करता, ठीक है। तो लेकिन आज मेरा जो फोकस है वो रिलीजन को लेकर के, कल्चर को लेकर के, आइडेंटिटी को लेकर के, टोटली वो पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मेरा बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी बातें करते हैं। चलें, बिल्कुल जी हाँ, धर्मशास्त्र जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने इस चीज को बोला था टू होल्ड। जी बिल्कुल प्रतीक्षा जी, थैंक यू। ओके, फिर यहाँ पे देख रहे हैं द वे ऑफ लाइफ है एंड पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है। बच्चों आज हमें इसको समझना जरूर की समझने की जरूरत होगी कि एक राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, पॉलिटिकल कल्चर। एक्चुअली जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, वहां पे रहने वाले जो भी मेंबर्स हैं, यानी कि जो भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है आप देख रहे होंगे, ठीक है, और वहां पे रहने वाले जो लोग हैं यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी मेंबर हैं वो सिटीजन कहलाते हैं, नागरिक कहलाते हैं। और यही सिटीजन अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, ये जो नागरिक हैं ये अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट को देखने का उनका क्या नजरिया है, एक्चुअली ये पॉलिटिकल कल्चर है। समझिए इस टॉपिक को, पॉलिटिकल कल्चर की डेफिनेशंस क्या है, कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे रहने वाले, उस सिस्टम में रहने वाले जो मेंबर हैं वो सिटीजन हैं, और ये सिटीजन अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी गवर्नमेंट को देखने का उनका नजरिया क्या है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, पॉलिटिकल कल्चर। आई होप आपको यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जो भी नागरिक हैं, आगे देखिए यहाँ पे भी जो भी नागरिक हैं, माने कि उस पॉलिटिकल सिस्टम में जो भी नागरिक रह रहे हैं वो अपने अपने तरीके से देखेंगे, अपने अपने तरीके से सोचेंगे कि, और उनका एटीट्यूड देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में आप लोगों के लिए रखा है, देयर एटीट्यूड, देयर बिलीफ एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम, इस चीज के बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि उनका एटीट्यूड क्या है, देयर बिलीफ एंड देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज पॉलिटिकल कल्चर, देयर साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द सिटीजन आर कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर, जो उनका एक मनोवैज्ञानिक ओरिएंटेशन है, साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है ऑफ अ सिटीजन आर कॉल्ड पॉलिटिकल कल्चर। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही होंगी। पॉलिटिकल कल्चर का मतलब है सिटीजन की एक साइकोलॉजिकल ओरिएंटेशन है ये, ठीक है, तो नागरिकों की क्या है, एक मनोवैज्ञानिक ओरिएंटेशन है बच्चों, तो इसको हम पॉलिटिकल कल्चर में पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख के चलते हैं। ठीक है, सिटीजन अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं,
यानी कि उनकी थिंक क्या है, वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट को देखने का उनका नजरिया क्या है, उनके एटीट्यूड क्या है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया देयर एटीट्यूड, देयर बिलीफ एंड देयर बिहेवियर टूवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम इज नोन एज अ पॉलिटिकल कल्चर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे देख के चलते हैं, कल्चर क्या होता है। कल्चर के बारे में मैं बात कर रहा था, पॉलिटिकल कल्चर के बारे में मैंने बात करी है, तो द वे ऑफ लाइफ मैंने आपको बताया है बच्चों, ये क्या है, ये कल्चर है। तो कल्चर जीवन जीने की विधि होती है, जो हम भोजन खाते हैं, यानी कि जो भी हम खाना वाना खाते हैं, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो भाषा बोलते हैं, जिस भी भगवान की हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, प्रेयर करते हैं, ये एक्चुअली हमारा कल्चर है। ठीक है, तो इस तरीके से, और इंडिया में देखिएगा विविधताओं का पूरा अलग अलग डिफरेंस है कल्चर का। अगर आप पूरे भारत को, हमारे प्यारा भारत देखिए, देखिए इस बार हम, क्योंकि मैं मैप बहुत अच्छे से नहीं बना पाता, लेकिन फिलहाल तो स्टार, क्योंकि हमारा देश किसी तारे से कम थोड़ी ना है, तो ये हमारा देश है, तो आप देख सकते होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट भी है, फिर अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा अपना सारी चीजें हैं। आमतौर पर हम इस चीज को देखते हैं, तो बच्चों आपको मालूम होगा, जैसे आप लोग यूट्यूब पे हो, तो इंडिया के अलग अलग स्टेट से आप यहाँ पे हम उससे ज्वाइन हुए होंगे, तो आपका अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने शहरों में अलग अलग कल्चर है कि नहीं। अभी मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ। अलग अलग भाषा है, अलग अलग आपके डिशेज होंगे, आप अलग अलग तरीके से अपनी प्रेयर करते होगे, अपने पूजा भगवान की आराधना जो भी हो आप करते होगे, तो आप अलग अलग तरीके से, आपके अलग अलग आपके पहनावे होंगे, क्लोथिंग सिस्टम सबके अलग अलग होंगे, तो यही तो कल्चर है। और पूरे भारत जब हमारा मिल जाता है, तो इसी को कहते हैं ना विविधताओं, हमारा की पूरा का पूरा डाइवर्सिफाइड इंडिया है और एकता यूनिटी। ठीक है, इसी तरीके से हम कल्चर को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। अब जल्दी से आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ, क्या आपको मजा आ रही है, चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही हो तो फौरन मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आई होप आपको यहाँ पे चीजें अच्छे से क्लियर आ गई होगी। अगर अब जल्दी से कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो कि वो कमेंट ना करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सब लोग एक लाइन से कमेंट करिएगा। तब तक मैं तमन्ना जी का जवाब देता हूँ। सर मैं प्लस स्टूडेंट हूँ और पॉलिटिकल साइंस से आपने कौन कौन सी यूनिट करवा रखी है। तमन्ना जी अभी मैं स्पेशल क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैंने यूनिट 1, 2, 3, 5, 6 करवा रहा हूँ, यूनिट 7, तो इतनी यूनिट मैं करा रहा हूँ आपको पॉलिटिकल साइंस की। 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू आशुतोष रंजन जी, सुषमा चंदन जी, और भी बाकी बच्चे इसको कमेंट करते हैं, लाइक शेयर करते रहिएगा गैस, तो मैक्सिमम इसको लाइक शेयर कर दीजिए तो ज्यादातर बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। थैंक यू रविता जी। चले तो आई होप अब आप सब लोग यहाँ पे कमेंट आना शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अर्शिया जी आपका भी शुक्रिया। तो बच्चों देखो, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारा पॉलिटिकल कल्चर है। इस तरीके से हम सारी चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हैप्पी सांबा दशमी सर जी, हैप्पी, बिल्कुल सेम टू यू। देखिए आप प्रतीक्षा जी, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि आप देखिए ओडिशा की रहने वाले हैं ना, और वहां पे आपका आज टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग सांबा दिवस, सांबा दशमी फेस्टिवल, ओके, इन ओडिशा, इट्स अवर कल्चर। बिल्कुल अलग अलग कल्चर, मैंने अब यही तो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि हर स्टेट में, हर अपनी अपनी जगह पे अलग अलग कल्चर है, और अपने अपने ढंग से लोग सेलिब्रेट करते हैं। यही तो अच्छी चीज है ना, हमारे भारत की खूबसूरती तो इसी में है ना कि अलग अलग तरीके से लोग अपने अपने चीजों को सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बस हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिक्स है ना, वो लोगों को गंदा करके रखती है, वो लोगों में दूरियां बना के रखती है। अदरवाइज सब कुछ सिस्टम सही है। और आज हम रोल ऑफ रिलीजन को देख ही रहे हैं पॉलिटिक्स में, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की बात करेंगे ही करेंगे, तो इसी वजह से आज मैं यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बोल रहा हूँ। चले, थैंक यू आप सभी का, प्रतीक्षा जी, अर्शिया जी, बबीता जी, और सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया, और जो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं उनका भी शुक्रिया। चले, तो अगर आपको यहाँ पे लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज गाइस लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग इसको लाइक कर दीजिएगा। चले, अब हम इसी पैटर्न को आगे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, और कल्चर के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे पढ़ते हैं। संस्कृति क्या होती है, एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। अभी थोड़ी देर मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि जो कल्चर होता है बच्चों, वो सोसाइटी टू सोसाइटी, देखो जो कल्चर है वो क्या होता है, एक सोसाइटी से लेकर के दूसरी सोसाइटी तक चेंज होता रहता है, साथ ही साथ एक कंट्री से लेकर के
दूसरी कंट्री में भी ये चीजें बदलती रहती हैं, तो इसको भी हम संस्कृति कह सकते हैं। तो आई होप आप लोग यहाँ पे संस्कृति का मतलब समझ गए होंगे, ठीक है, कि हम क्या हैं, कि द वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का जो तरीका है वो संस्कृति है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या चीजें खाते हैं, क्या पीजें, हम किस तरीके से अपनी अपनी चीजों को यहाँ पे अलग तरीके से हम कपड़े पहनते हैं, भाषा बोलते हैं, और जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, एक्चुअली ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा कल्चर है। ठीक है, तो अपने कल्चर को बिल्कुल प्रोटेक्ट करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है, याद आ रहा होगा, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, तो साथ ही साथ अपने अपने कल्चर पे लोगों को भाई प्राउड भी होना चाहिए, फख्र होनी चाहिए कि बिल्कुल ये हमारा कल्चर है, अपने कल्चर से चीज़ों को बिल्कुल, क्योंकि जो आपकी पहचान है वो आपको पहचान से आपको दूर नहीं होना चाहिए। कितने भी डेवलप्ड समय आ जाए, कितना भी मॉडर्न जमाना आ जाए, तो कल्चर होना चाहिए, और बिल्कुल ये चीज़ें अच्छी चीज़ हैं कि हमें ज़मीन से जुड़ा है, कल्चर कहता है ना, हमें ज़मीन से हमेशा जुड़ा रहने देता है, अपने गांवों से, अपने शहरों से, अपने लोगों से, तो अच्छी चीज़ है। और यही अगर हम उसी में रिलीजन को लेकर आते हैं, और रिलीजन का जो एथिकल, एक्चुअली रिलीजन एथिक्स सही है, लेकिन लोगों ने इसको गंदा बना रखा है ना, जो भी, मैं सारे रिलीजन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारे पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो अपने अपने तरीके से इसको पेश कर देते हैं। अदरवाइज तो एथिक्स, एथिकल वैल्यूज़ है, ह्यूमैनिटी है, इक्वलिटी है रिलीजन, ठीक है, और फिर कल्चर को उसमें मिक्स कर दिया जाए तो कितना खूबसूरत भारत बनता है, इसकी कल्पना आप कर सकते हो। चले गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों को आज का इंटरेस्टिंग लेक्चर यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, कि रोल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। चलिए आज की हम अपनी तीसरी टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसको हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, पहचान की राजनीति। क्या है पहचान की राजनीति? हमारे भारत में ये बहुत होती है, एक्चुअली ये कंटेम्परेरी चैलेंजेस में से एक चुनौतियां भी हैं हमारे लिए, कि भाई पहचान की राजनीति का कुछ कहीं फायदा है तो ज्यादातर उसका नुकसान भी है। तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा रॉन्ग है यहाँ पे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, हैप्पी नेताजी जयंती, जी हाँ, ठीक है आप सभी को। तो ये सारी चीजें हैं, तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आइए, हमारी अब अगली टॉपिक होने वाली है आज ही की इसमें, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पहचान की राजनीति। तो क्या है पहचान की राजनीति, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं रफ करता हूं, आप लोग लाइक शेयर करते रहो और इसको खूब जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। ओके, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यहाँ पे हम समझते हैं बच्चों कि पहचान की राजनीति क्या होती है। देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, आमतौर पे हैज अ बिकम अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट इन द इंडियन पॉलिटिक्स इन द पास्ट फ्यू ईयर। यूं कह सकते हैं ये पिछले पांच नहीं, पिछले कुछ सालों में होगा, फ्यू ईयर्स मैंने लिखा है, पिछले कुछ सालों से भारतीय राजनीति में ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, एक प्रमुख विषय बन गया है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति में ये एक प्रमुख विषय बन गया है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैज बिकम अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन द पास्ट फ्यू इयर्स। अब देखते हैं कि एक्चुअली पहचान की राजनीति क्या होती है, इसके कहीं पे कुछ अगर फायदे होते हैं तो कहीं पे इसके नुकसान भी हैं, तो मेरिट डिमेरिट दोनों पॉइंट को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहचान की राजनीति एक ऐसी राजनीतिक विचारधाराएं हैं और ऐसे तर्क होते हैं जो किसी देश, राज्य, अन्य राजनीतिक इकाई के संपूर्ण हित को छोड़कर उन समूहों के हितों को बढ़ावा देने पर बल देते हैं जिसके लोग सदस्य होते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, पहचान की राजनीति का अभी आपको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत टफ हिंदी, कुछ लोगों के लिए बहुत टफ हिंदी हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, साहब साहब सामने बैठे हैं तो टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती है। हर, देखिए हमारे जैसे देश में अब बात करूँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स होती है। सेंट्रल की, केंद्र की राजनीति अलग होती है, पॉलिटिक्स अलग होती है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे हर स्टेट की अपने अपने अलग अलग लोकल इश्यूज कुछ होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, आइडियोलॉजीज होती हैं, उनके अपने अलग अलग तर्क होते हैं। तो इस हिसाब से वो क्या होता है, एक खास जाति, खास धर्म या खास संस्कृति, खास भाषा के आधार पर वो अपने आप को अलग करते हैं। मतलब अलग करने का इन द सेंस है कि वो सिर्फ उस पर बल देने की कोशिश करते हैं, उस पर फोर्स देने की कोशिश करते हैं, बाकी लोगों का ऑल सभी पीपल का इंटरेस्ट छोड़ करके सिर्फ उसी पीपल्स की इंटरेस्ट पे वो ध्यान देते हैं जो उनके अपने लोग होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कास्ट को छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यहाँ पे जाति के लोग कर,
ठीक है। हालांकि हर एंगल में देखेंगे हम, जाति को भी, धर्म को भी, जेंडर के आधार पे भी, आइडियोलॉजी के हिसाब से भी, कल्चर के हिसाब से भी, भाषा के आधार पे भी, सारी आधार पे हमारे यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। लेकिन कास्ट का मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल्स, जैसे आप यूपी, बिहार और भी अलग अलग स्टेट्स में देखते होंगे अलग अलग तरीके से, तो भाई कोई किसी को, कोई सिर्फ एससी एसटी के लिए काम करने की कोशिश करता है, वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो हम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए काम करते हैं। कोई अपने आप को ओबीसी को बताता है कि देखो हम पिछली जाति की पार्टियों की, पिछली जाति के लोगों की पार्टियां हैं, ओबीसी की पार्टियां हैं। कोई अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है, देखो भैया हम जनरल कैटेगरी की पार्टियां हैं, कि हम, हमारे यहाँ ज्यादातर वर्चस्व जनरल कैटेगरी का है, ब्राह्मण्स का, क्षत्रियों का है। कोई अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है, देखो भाई हम माइनॉरिटीज को ज्यादा फेवर करते हैं। तो यही क्या है, यही तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। अगर इस तरीके से लोग बटेंगे तो क्या बताइए, फिर वो क्या करेंगे ना, खास एजेंडा चलाते हैं उसके खासकर इलेक्शन टाइम में। तो फिर वो कहते हैं कि हम इस जाति को, इस धर्म को, और इस पर्टिकुलर भाषा वालों को, पर्टिकुलर इस कल्चर वालों को, पर्टिकुलर इस जेंडर वालों को हम ये देंगे, वो करेंगे। तो ये पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक तरफ तो बिल्कुल अच्छी बात है कि इन लोगों की, अब मान लीजिए जैसे ओबीसी हैं, एससी एसटीज हैं, माइनॉरिटीज हैं, या भी जो भी हमारे यहाँ डिप्राइव सेक्शन हैं, उनकी कोई आवाज़ बनता है, ये अच्छी चीज़ है। मैं बिल्कुल इस चीज़ के फेवर में हूँ कि एससी एसटी की आवाज़ उठानी चाहिए, ओबीसी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, माइनॉरिटीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, या जो भी हमारे यहाँ डिप्राइव्ड हो। अगर जनरल में भी कोई डिप्राइव्ड हो, भाई क्या जनरल लोग गरीब नहीं होते, क्या वो परेशान नहीं हो सकते हैं, हैं? बिल्कुल वो भी हो सकते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ परेशान हो, उनकी आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन इसी सिस्टम को यहाँ पे नेगेटिव वे में लोग लेके चले जाते हैं, खासकर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। मैं यहाँ पे किसी पार्टी का नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप सब लोग स्टेट, अपने अपने स्टेट पे ये चीजें देखते होंगे कि जब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में बात आती है, तो पर्टिकुलरली वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं अपनी जाति के लोगों पर। आप ऐसा देखते होंगे ना, और खासकर जितना ये आपके स्टेट लेवल के इलेक्शन होंगे, या आपके छोटे छोटे जो पंचायत का इलेक्शन हुआ, प्रधानी का इलेक्शन हुआ, या आप यूँ कह सकते हैं आपके म्यूनसिपलिटीज़ के इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे और ज़बरदस्त तरीके से कास्ट का मुद्दा हावी हो जाता है, धर्म का मुद्दा हावी हो जाता है। और अब तो हमारे यहाँ नेशनल पॉलिटिक्स में भी धर्म और जात का मुद्दा हावी हो गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, अगर थोड़ा सा अच्छी चीज़ भी है कि लोगों को, चलो जो दबे कुचले लोग हैं उनकी कोई आवाज़ उठाने की बात कर रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो एससी के लिए ये करेंगे, ओबीसी के लिए ये करेंगे, माइनॉरिटीज के लिए ये करेंगे। लेकिन यही दूसरी तरफ इसका पोलराइजेशन करने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो खास एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, देखो भैया हम तो सिर्फ इनकी पार्टी हैं, हम तो सिर्फ इनके लिए काम करेंगे हैं, तो फिर हमको इनका वोट चाहिए। तो ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स, और यही चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, हमारे देश के खिलाफ चली जाती हैं, लोगों में नफरतें भर देती हैं, फिर एक दूरियां बढ़ जाती हैं। तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में मैं बात कर रहा था। आई होप आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि चीजें समझ में आ गई हो। अगर समझ में आ गई हो तो बच्चों इसको लाइक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। चलो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रही है आज टॉपिक को पढ़ने में। और कुछ लोगों को देखिए टाइमिंग नहीं मालूम था आज, और अभी आधे घंटे बाद फिर मैं स्पेशल क्लास पे भी आऊंगा, 12:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास है, तो वहां पे अलग टॉपिक देखेंगे, इमरजेंसी देखना है आज मुझे वहां पे। थैंक्स आप सभी का, प्रतीक्षा जी, बबीता जी, अर्शिया जी और भी बाकी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहे आप लोग, शुक्रिया आप सभी का। ओके, तो कुल मिलाकर के सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो इसी चीज़ों को अब हम आगे बढ़ते हैं, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, हम पहचान की राजनीति को और अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पे पहचान की राजनीति तो देखा है क्या होता है, पॉलिटिक्स के बारे में भी समझ लेते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है। उससे पहले तो यहाँ पे आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। चलो भाई, बहुत राजनीति राजनीति करते हो, तो क्या कुछ जानते हो राजनीति के बारे में? तो यही चीज़ है, मुझे एक शायर की यहाँ पे शायरी याद आ रही है, लेकिन चलिए छोड़िए, उसमें थोड़ा सा अलग कुछ था तो यहाँ पे मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन चलिए फिलहाल पॉलिटिक्स की बात मैं करता हूँ, राजनीति की। राजनीति क्या होती है? राजनीति एक्चुअली पॉलिटिक्स का होता है, जो भी हमारा शासन होता है उसमें जो पद होता है वो प्राप्त करना, ठीक है, किसी पोस्ट को होल्ड करना, सरकारी पद का, गवर्नमेंट पोस्ट का, ऑफिस का क्या करना, यूज करना पॉलिटिक्स है, ठीक है। शासन में पद को प्राप्त करना तथा सरकारी पद का उपयोग करना राजनीति है। जैसे आज हम देख रहे होंगे पॉलिटिक्स में क्या होता है, शासन में लोग पद ही तो प्राप्त करते हैं, सरकारी पद का यूज ही तो करते हैं राजनीति में, तो राजनीति यही इसी को बोलते हैं।
और साथ साथ अगर हम और एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पे पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे कि गांव की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से लेकर के हमारे यहाँ गांव से पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, रूरल एरिया से गांव की ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से लेकर के स्थानीय सरकार, जो लोकल गवर्नमेंट होती है हमारी, स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, या इंटरनेशनल लेवल पर जहां लोग अपने अपने ग्रुप की एक कलेक्टिव इंटरेस्ट की पूर्ति कर सकें, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, पॉलिटिक्स बोलते हैं। चलें, तो सुषमा चंदन जी का कहना है राहत इंदौरी। जी हाँ बिल्कुल, बेहतरीन शायर, जबरदस्त तरीके से वो सिस्टम पे तंज कसते थे। देखो शायर कोई भी हो, ठीक है, अगर कोई भी शायर का मतलब होता है कि जो भी पोएट होते हैं हमारे, या जो भी ये शायर वगैरह होते हैं, एक्चुअली जो भी सिस्टम चल रहा होता है प्रेजेंट टाइम, उस पे ये क्रिटिसाइज करते हैं अपने शायरी के माध्यम से। तो ये अच्छी चीज़ है, ये भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट हो या कोई भी चीज़ हो, उसको अपने आप को देखना चाहिए। चले, फिलहाल तो ऐसे बहुत से शायर हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम पे कमेंट करते हैं, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट हो, तो अच्छी चीज़ है कि ये चीज़ें कि क्रिटिसाइज, देखो गवर्नमेंट से सवाल जवाब होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इनको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। बिल्कुल, सभी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जनता के प्रति उनकी जवाबदेही। तो ये सारी चीजें हैं। चले फिलहाल, तो अब मैं आपको बता रहा था पॉलिटिक्स क्या है। आप लोग बहुत पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सुनते हो ना, तो पॉलिटिक्स का मतलब है कि हमारे गांव की, हमारे रूरल एरियाज से ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से लेकर के हमारे लोकल गवर्नमेंट का लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर जहां लोग अपनी अपनी कलेक्टिव इंटरेस्ट की फुलफिलमेंट करते हैं, पूर्ति करते हैं, उसको हम राजनीति बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो इस चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। और पहचान की राजनीति को हम यहाँ पे देखते हैं, राजनीति तो देखा है, पहचान की राजनीति क्या है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। जैसे जैसे इलेक्शन के दिन हमारे यहाँ करीब आते हैं, सुनते रहिएगा, चुनाव के दिनों में जातिगत यानी कि कास्टिज्म, समुदाय प्रस्ताव पारित करके ये क्या करते हैं, राजनीतिक नेताओं और दलों को जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितों को साधते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जब भी इलेक्शन कहीं करीब आएगा किसी स्टेट में, जैसे अभी अब पिछले 4 महीने के, मतलब अगले 4 महीने के अंदर अंदर 3-4 महीने के अंदर 5 स्टेट में हमारे यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। अब आप खुद देखिएगा, 5 स्टेट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, अब वो एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे। अब वो कहते हैं हर एक चीज करेंगे वो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे थोड़ा सा दुर्भाग्य है इस चीज का कि लोग यहाँ पे जाति और धर्म को गलत तरीके से मिसयूज करके वोट बैंक लेने की कोशिश करते हैं। अगर मुद्दे पे हमारे यहाँ इलेक्शन लड़ा जाए, कितना अच्छी चीज हो ना, कि हेल्थ इश्यू होना चाहिए, एजुकेशन इश्यूज होना चाहिए, रोजगार इश्यूज होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल का भी इश्यूज होना चाहिए, हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज का भी इश्यूज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से जैसा जैसा जो इलेक्शन है उसमें, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। सेंटर की अलग पॉलिटिक्स होती है, स्टेट की अलग होती है, लोकल लेवल पे आपकी जो गवर्नमेंट होती है उसकी अलग पॉलिटिक्स है। अब लोकल लेवल पे गवर्नमेंट, पता चला वोटिंग हो रहा है, अब वो कोई कहे कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल बाउंड्रीज को सही कर देंगे, तो ऐसे में कुछ चीजें, थोड़ा सा मीम्स वगैरह जो देखता रहता हूँ तो काफी अच्छा भी लगता है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि पता चला गांव की प्रधानी का इलेक्शन लड़ना है वो, मतलब पंचायत का इलेक्शन लड़ना है, और बात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं, फिलहाल तो कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, तो पहचान की राजनीति का यही मतलब है कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी खास एक जाति के लिए वो समर्थन की घोषणा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आ गए, हम पावर में आ गई, हमारी गवर्नमेंट बन गई, तो हम इस कास्ट के लिए, इस रिलीजन के लिए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो यही तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। बिल्कुल लोगों की मदद करिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि लोगों को मदद ना करिए, हमारे देश में सबको अब उनके राइट्स हैं, चाहे वो SC हो, चाहे बच्चों वो ST हो, OBC हो, माइनॉरिटीज हो, जनरल कैटेगरीज हो, या कोई और भी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, बूढ़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबका अपना राइट्स है और सबके हित के लिए काम करना चाहिए और सबके बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन यहीं पे जब एक खास धर्म, खास जाति, खास एरिया, खास संस्कृति, खास भाषा को फोकस किया जाने लगता है, तो वहीं पे ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का गेम शुरू होता है। और फिर पॉलिटिकल जो पार्टीज होती हैं इसको जबरदस्त तरीके से इस गेम को खेलते हैं, और इसका नुकसान हम, हमारी आम देश की जनता चुकाती है, वो तो अपना काम करके निकल जाते हैं। ठीक
ठीक है। तो इस तरीके से मुझे समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ये पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। जल्दी से आप मुझे सब लोग कमेंट करके बता दो, क्या वाकई इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चीजें समझ में आ रही हैं, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। तो जल्दी से ऐसे जितने लोगों का मानना है फौरन वो मुझे कमेंट करके बता दे, और भैया हम आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और चीज़ों को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि सैफ सर का लेक्चर वाकई शानदार है, ज़बरदस्त तरीके से है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर आगे करते रहिएगा। आइए अब हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने की, अब यहाँ से आगे बढ़ने की हम शुरुआत कर रहे हैं। और शुक्रिया सभी का जो लोग कमेंट कर रहे हैं, बबिता प्रकाश जी और भी बाकी स्टूडेंट्स का। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल लीडर होते हैं, जो ये राजनीतिक नेता होते हैं ना, वो कुर्सी को पाने के लिए, यानी कि सत्ता, देखो हमारे यहाँ टोटली गेम क्या है ना, कुर्सी का है, किस्सा कुर्सी का है, मामला पूरा कुर्सी का है, ठीक है। और सत्ता प्राप्त करने के लिए वो जातीय संगठन, अलग अलग कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन का उपयोग करते हैं, और जातीय के रूप में उनको बना बनाया संगठन मिल जाता है। तो यही पॉलिटिक्स क्या है हमारे यहाँ बच्चों, चाहे वो स्पेशली कास्ट बेस्ड हो, या किसी पर्टिकुलरली रिलीजन हो, या कल्चर बेस्ड हो, या एरिया बेस्ड हो, इसी पॉलिटी को यूज करके वो अपनी पॉलिटिक्स राजनीति चमकाते हैं। और इसी को हम बच्चों क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोलते हैं, पहचान की राजनीति है, ठीक है। और आपको आई होप, देखो बच्चों यकीन मान लीजिए, आप बेहतरीन मेरे वीडियोस को एक बार रिपीट फिर देखना, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिएगा, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। आपको मैंने तीन टॉपिक आज, चाहे वो रिलीजन के बारे में हो, कल्चर के बारे में हो, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में हो, इनका रोल क्या है भारतीय राजनीति में, ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है। एकदम स्वीट एंड शॉर्ट में इतना बेहतरीन लेक्चर दे दिया हूँ कि अब आप जाकर के अपने सिलेबस को उठाइएगा और वहां पे पढ़ना शुरू करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिएगा, और फिर कोई बुक्स, ऑथेंटिक बुक पढ़ना शुरू करिएगा। आपको सारे बेस मैंने आज क्लियर कर दिए हैं, यकीन मान लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। मैं काफी मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आता हूँ कि बच्चों, अगर मैं आपको घंटों मेहनत करता हूँ तब जाकर के आपको कंटेंट दे पाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, टीचर की मेहनत को समझिए, और आप लोग बहुत सीरियस तरीके से इसको इसको पढ़िए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आइए, तो आज कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो थे हमारे वो समाप्त हुए, जितनी टॉपिक थी, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, और टेररिस्ट से रिलेटेड जो टॉपिक थी, या और भी टॉपिक हमने देखा था इसमें, जो भी अपनी टॉपिक है, आइए उनसे रिलेटेड हमने जो देखा है, कुछ एमसीक्यूज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आज साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज भी हो जाए बच्चों, और फिर मजा आ जाएगी, सारी चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। चलें तो जल्दी से आप लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की, और मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। और शुक्रिया अर्शिया जी आपका, बबीता जी, सुषमा जी, और आशुतोष, रंजन जी, प्रतीक्षा जी, और भी बाकी बच्चे जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, वो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार यहाँ पे क्लासेस में बने रहते हो और मैक्सिमम अपनी अटेंशन देते हो। और सबसे अच्छी बात है कि आप हर प्लेटफॉर्म पे आते हो मुझसे पढ़ने के लिए, तो स्पेशली उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गैस एब्सोल्युटली राइट सर जी, बिल्कुल सुषमा जी, बिल्कुल चीज़ें हैं, और आप लोग का सपोर्ट है इस तरीके से, तभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको सारे कंटेंट यहाँ पे दे पाता हूँ, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो गैस अब हम शुरुआत करते हैं अपने आज के एमसीक्यूज की, और मुझे लगता है सबसे पहला आंसर सबका आना चाहिए, लगातार जो बच्चे मुझसे क्लासेस कर रहे हैं, ऑन विच, देखो पॉवर्टी पढ़ाया था, डेवलपमेंट पढ़ाया था, याद आ रहा होगा कल ही पढ़ाया था आपको गरीबी और विकास। तो मुझे बताइए, ऑन विच पैरामीटर द लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया एनालिसिस, तो क्या आधार है हमारे यहाँ, क्या पैरामीटर है गरीबी को आकलन करने का? तो भैया हिंदी में मैं बोल दूं, गरीबी की आकलन करने का, आकलन करने का क्या आधार है, ठीक है। तो मुझे आप बताइए, क्या वो उपभोग पे है, कंज्यूम पे, या इनकम पे है, या सी बोथ है, या डी नन है? तो देखिए आंसर आना शुरू हो गया, सबसे पहला आंसर दिया है बबीता जी ने बी इनकम, प्रतीक्षा जी सी, रविता जी बी, बबीता प्रकाश सी। भाई और लोग भी पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, बस चार पांच स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग से भी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेट करिए, ठीक है। और
वही लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे जो लगातार क्लासेस आते जाते रहते हैं। सुषमा जी आपने भी पार्टिसिपेट किया, अर्शिया जी सी, ओके। चले अब हम आंसर डिस्क्लोज करने जा रहे हैं और करेक्ट आंसर है, कल मैंने आप लोगों को बताया था भैया हमारे यहाँ उपभोग से भी, कि कौन एक परिवार दिन प्रतिदिन कितना कितनी अपनी बेसिक नीड्स को कंज्यूम कर रहा है, ये भी हमारे यहाँ अमीरी और गरीबी का पैमाना है। साथ ही साथ एक परिवार कितना आय कर रहा है प्रतिदिन, तो ये भी हमारे यहाँ पैमाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो अब जिन्होंने सी इसका आंसर दिया है वो सही हैं, आशुतोष रंजन जी, बिट्टू बॉस जी और अर्शिया जी और बाकी लोगों ने भी सही आंसर दिया है। प्रतीक्षा जी आपने भी दिया है, बबीता जी आपने भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कॉन्ग्रेट्स कि आप लोगों ने सही आंसर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन, भाई एक इंसान की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, जल्दी से आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे आवर नहीं, यहाँ पे हाउस होगा, ठीक है? तो फूड, क्लॉथ्स, हाउस या ऑल, तो रोटी, कपड़ा, मकान या सभी, बेसिक नीड्स क्या होती है ह्यूमन की, इसका आंसर तो मुझे लगता है 100% स्टूडेंट को देना चाहिए, सारे के सारे स्टूडेंट को इसका करेक्ट आंसर देना चाहिए। भाई कितना स्लो कमेंट चलता है यहाँ पे। चले मैक्सिमम लोग इसका आंसर देना शुरू करिए। मुझे आपके क्वेश्चन अर्शिया जी ने आंसर दिया है सबसे पहले, ठीक सुषमा जी, प्रतीक्षा जी, बिट्टू बॉस आपका भी आंसर आ गया, गुड, वेरी गुड। रविता जी, विश्वकर्मा जी, बबीता, प्रकाश जी, वेरी गुड। तो आप सबका सही आंसर है डी, और ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल नीड्स होती है ह्यूमन की, कि उसको फूडिंग्स भी चाहिए होती है, उसको कपड़े भी चाहिए होते हैं, उसको शेल्टर भी, यहाँ पे एक्चुअली शेल्टर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, शेल्टर यहाँ पर होना चाहिए, शेल्टर भी होना चाहिए। तो ये करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि ऑल। चले अगले आगे देखते हैं। इन 2005 वेयर इज द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था मुझे आप बताइए। 2005 में नहीं, 2015 होगा, 2015 होगा, तो जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में कहाँ हुआ था? पहला पेरिस, बी बॉन, सी कोलंबो एंड डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका करेक्ट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। प्रतीक्षा जी ने आंसर दिया है बॉन। और कौन है? आशुतोष जी, जी प्रतीक्षा जी, वही मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी प्रतीक्षा, गुड, वेरी गुड। और बाकी स्टूडेंट्स चलो, अरे भाई याद होगा पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता अभी फिर न्यूज में आ गया। क्यों न्यूज में आ गया? क्योंकि देखिए यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था और जब ट्रम्प थे वहां पे प्रेसिडेंट, तो क्या किया था, विड्रॉ कर दिया था यहाँ से पेरिस जलवायु समझौता से। और जो बाइडेन ने अभी जल्दी फैसला लिया है, 2-3 दिन पहले, अभी वो जल्द से ही शपथ लिया है ना उन्होंने, तो आते ही पेरिस जलवायु समझौता में वापस लौटे हैं। और भी कई जगहों पे उन्होंने फिर ट्रम्प के कई फैसले को चेंज किया है, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर थ्री का ए इज द करेक्ट आंसर। अब जिन्होंने पेरिस दिया है उस द करेक्ट आंसर, कोई बात नहीं प्रतीक्षा जी। चलो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोगों का करेक्ट आंसर, रशिया जी आपका भी, बिट्टू बॉस जी आपका भी, रविता जी आपका भी, सबका सही है, मैक्सिमम बच्चों का सही है और मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। चलिए क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताइए भाई, क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये बच्चों ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है? क्या ये आपके एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है? क्या आपके ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? जल्दी से मुझे बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, और इसका आंसर तो सभी को देना चाहिए। ये देखिएगा इस यूनिट का जो कंटेम्परेरी चैलेंजेस था वो आज पूरी तरीके से फिनिश हो गया। मैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, और कल से हम नए टॉपिक शुरुआत करेंगे, मतलब कि मंडे से। कल तो स्पेशल क्लास होगी आप लोगों की पूरी तरीके से।
वेरी गुड बिट्टू बॉल जी, आशुतोष रंजन जी, आंसर दीजिए भाई। क्योटो प्रोटोकॉल किससे था? फोर्थ वन, फोर्थ का आंसर दीजिए, तीसरे का नहीं, तीसरे का हो चुका है। सुषमा जी का सही आंसर आया है। सुषमा जी, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज। आशुतोष जी गलत है, ए नहीं होगा, सी होगा। प्रतीक्षा जी, ग्रीन हाउस गैसेस से नहीं था, ग्रीन हाउस गैस इसके अंदर आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आ जाएगा। अर्शिया जी आपका सही है, तो क्लाइमेट चेंज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कार्बन एमिटर इन ग्लोबल लेवल। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा वैश्विक स्तर पर कार्बन का उत्सर्जक है, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जक है? सुमन जी बिल्कुल सही, क्लाइमेट चेंज आंसर सही होगा। तो बताइए कौन ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है दुनिया में? क्या वो यूएसए है, या तो फिर चाइना, या तो फिर हमारा प्यारा भारत, या फिर यूरोपियन यूनियन? जल्दी से आप, बिल्कुल मैंने पढ़ाया है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया है, अभी तो मैं बाहर से कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। हाँ आशुतोष जी का आंसर आ गया। हाँ, इंडिया नहीं भाई, इंडिया नहीं है, ना ना ना, इंडिया नहीं है। अर्शिया जी और प्रतीक्षा जी ने ए दिया है। सुषमा चंदन जी ने डी बोला है, यूरोपियन यूनियन। नहीं, ना ना ना, गलत है। अभी भी इतनी हिंट दे दिया, नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग। बबीता जी का आंसर ए आया है। अरे कोई तो करेक्ट आंसर दे दो इसका, सबने अभी तक गलत दिया है। यही ऐसा पहला क्वेश्चन है जिसे सब में गलत दिया है। रविता जी आपका भी गलत, सबका गलत, अभी तक किसी का सही नहीं है। बिट्टू बॉस सी, देखिए चल यहाँ पे इन्होंने इन्होंने स्मार्ट टेस्ट दिखा दी अपनी। बिट्टू बॉस सही कह रहा हूँ ना, आंसर पता था कि बस इंतजार कर रहे थे कि सबका गलत हो जाए, मेरा सही हो जाए। जल्दी ईमानदारी से बताइएगा, एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर चाइना होगा। वाकई चाइना बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर कार्बन इमिटर है, और चाइना होगा। जी हाँ बिल्कुल चाइना होगा, जी हाँ चाइना होगा। आशुतोष रंजन जी ने सी दिया। नहीं भाई, सी इंडिया नहीं होगा भाई, ना ना ना। बी बिट्टू बॉस, सुमन जी और अर्शिया जी, जिन्होंने चाइना दिया है, इसका करेक्ट आंसर है। तो चलो गैस, तो यहाँ तक तो आज मेरा लेक्चर था। आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का आज इस पार्टिसिपेशन में। तो मंडे को हम अपने टाइमिंग पे मिलेंगे सारी क्लासेस में, और आज अभी स्पेशल क्लास में आना ना भूलिएगा। सब लोग जान लीजिएगा स्पेशल क्लास होने जा रही है 12:30 से, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वहाँ पे स्पेशल क्लास में पार्टिसिपेट करिए। अच्छा, थैंक यू बिट्टू बॉस, बहुत अच्छा। तो बिट्टू बॉस का पहले आंसर आया था, करेक्ट आंसर है बिट्टू बॉस आपका। चले गए, हम अपने आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, और जाते जाते यही कहूंगा, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और हाँ, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। और इतनी मेहनत से पढ़ाई करिए, एन अकेडमी का स्लोगन लेट्स क्रैक इट गाइस वो फुलफिल हो जाए। और हाँ, जाते जाते मैं यही कहूंगा, प्लीज यूज माई रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% एक्स्ट्रा